श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और बीबी हरसिमरत कौर बादल नए साल की पूर्व संध्या पर देर रात सचखंड श्री हरमिंदर साहब पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए बादल साहब ने पंजाब के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और गुरु महाराज को धन्यवाद दिया और राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रार्थना की। अमृतसर से सोनू सोडी की रिपोर्ट। देशों विदेशों से बैठे साडे भैन भरावां नूं मेरे वल नवे साल दी लख लख वधाइयां होण। गुरु रामदास जी के चरणों से अरदास बेनती है कि नवे सवेरे दे नाल नवा साल चढ़ूगा ते मालिक रहमतां ते खुशियां नाल सारियां दी झोलियां भरन। साडे पंजाब नूं जिहड़ा पिछले समय च औखा समा किसानी अंदोलन करोना दी महामारी बहुत लोकां दा नुकसान होया है तकलीफां सहियां ने ते इस नवे साल दे नाल सारी तकलीफां दा नाश करके गुरु साहब सारियां दी झोलियां खुशियां नाल खुशियां दे खेड़े नाल बख्शन। चलो जी थैंक यू। मैं नवे साल दी सारिआं नूं लख लख वधाई देना चाहुंदा। अज दरबार साहिब पहुंचे हैं सवेरे परमात्मा दे चरणां च दास बेनती करदा है कि पंजाबियों की देशवासियों की चढ़दी कला होए। आज साल बहुत खुशियां भरा साल होए, जिन्नियां भी मुश्किलां सारियां टल जान। आ जिहड़ी करोना की मारामारी नाल पिछले दो साल बहुत नुकसान देश का दुनिया का होया है, वो भी एक्ती उहदा बचा रहे ते पंजाब ते पंथ की चढ़दी कला रहे।